बिसमिल्ल रिमी अल्लाम इंटर क्लास स्टूडेंट आप लोगों का टेक्स्ट नाइन जो है एन एस्ट्रोनर्स व्यूज़ ऑफ़ द यूनिवर्स वो मैंने आज सॉल्व किया है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ द टेक्स्ट एन एस्ट्रोनर्स व्यूज़ ऑफ़ द यूनिवर्स इज रिटन बाई जेम्स जीन्स ने लिखा है ये जेम्स जीन्स वॉज बॉर्न इन एटीन सेवनटी सेवन जेम्स जीन्स डाइड इन नाइनटीन सिक्स फोर्टी सिक्स हु डिस्क्राइब्ड जीन्स एज अ रिच इमेजिनेशन वर्किंग थ्रू अ फ्लेक्सीबल पैन ये आइवर थॉमस ने इसको डिस्क्राइब किया था द गलेक्सी वेर ह्यूमन बींग लिव इज़ नोन एज द मिल्की वे गैलेक्सी है जहाँ पर हम रहते हैं गलीलियो वॉज एन एस्ट्रोनर थे गलीलियो डॉर्विन वॉज अ बायोलॉजिस्ट थे एप्सल्यूट जीरो इज डेश डिग्री सेंटीग्रेड ये टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड है ठीक है ये किसी साल में इसका एम सी क्यूज नहीं आया है ठीक है तो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट वन पर्टिकुलर स्टार विल एवर कम क्लोज टू एन अधर ये क्यों इम्पोर्टेंट है इम्पॉसिबल है इम्प्रॉबेबल है नामुमकिन है कि भाई एक जो स्टार है दूसरे स्टार से क्लोज नहीं जा सकता है इट इज़ इम्प्रॉबेबल दैट वन पर्टिकुलर स्टार विल नेवर कम क्लोज टू एन अधर बिकॉज द यूनिवर्स इज स्पेशियस यूनिवर्स इज स्पेशियस है मजीद मतलब खुली हुई है बड़ी है ठीक है स्टार्स आर लाइक शिप्स इन द ओशन जैसे ओशन में शिप्स होते हैं स्टार ऐसे होते हैं ओशन कितना बड़ा होता है शिप कहाँ नजर आते हैं ठीक है दे ट्रैवल आर वोएज सेपरेटली फ्राम फार फ्राम वन एन अदर इन अ डिज़ाइन डायरेक्शन एक डायरेक्शन डिज़ाइंड है उनके लिए ठीक है ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है वो उसी के ही अंदर मतलब ट्रेवल करते हैं वोएज करते हैं ठीक है जैसे शिप करते हैं ओशन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो इसलिए स्टार जो है क्लोजली कनेक्टेड नहीं होते हैं वाट इज जीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द प्लान कम केम टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सन जीन्स ने कहा है कि जितने भी प्लानट्स हैं वो सूरज से बने हैं कैसे बने हैं जेम्स जीन ऑफ यू दैट ऑल द प्लान केम फार्म फ्राम द रेडिएशन ऑफ द सन उन्होंने कहा है सूरज से जिक्रो जो किरणें निकलते हैं उन्हीं में से ही प्लानट बने हैं द एजेक्टेड फ्रेगमेंट पार्टिकल्स ऑफ द सन गेव बर्थ टू द प्लान जो पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स निकले हैं सूरज से उनसे प्लानट बने हैं ये जेम्स जेन्स के मुताबिक ठीक है हाउ डज अ प्लानट सच एज द स्टार अर्थ ड्राइव इट्स वाम्थ जो प्लानट है वो वाम्थ मतलब वो कैसे अपनी नमी का बरकरार रखता है ठीक है न जहाँ पे द सन इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्लान सूरज ही रेस्पॉन्सिबल है सारे प्लान्स को बनाने में इनिशियली दे आल वर वेरी हॉट बट सून आफ्टर दे बिकेम वाम्थ शुरू में वो बहुत गर्म होते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो नरम हो जाते हैं ठीक है रहने के काबिल हो जाते हैं वाम्थ मतलब रहने के काबिल रेडी टू लिव स्लोली एंड ग्रेजुअली दे बिकेम कूल अन्टिल नाओ दे है बाय लिटिल इंटेंसिकट लेफ्ट दे आर वाम्थ बींग ड्राइव आलमोस्ट इंटायरली फ्राम द रेडिएशन वज द सन पोअर्स डाउन पुअर्स डाउन अपान दैम वो रेडिएशन सूरज के आते हैं उसी से ही वाम्स मिलते हैं उनको ठीक है ना अर्थ uh, को वट डज इमे जिन द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ टू हैव बीन जीम्स क्या कहता है कि कौन सी पहले पहली जिंदगी मतलब तो दुनिया, दुनिया में है जिम्स के कहता है कि रेडिएशंस फ्रॉम द सन नोन एज कूलिंग फ्रेगमेंट्स गेव बर्थ टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ जो रेडिएशंस हैं सूरज से निकले हैं उन्होंने ही सूर्य जिंदगी को मतलब जन्म दिया इट स्टार्ट सिंपल ऑर्गेनिजम्स हुज वाइटल कैपेसिटीज कंसिस्ट ऑफ लाइकली बियॉन्ड रिप्रोडक्शन एंड डेथ बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स इमर्ज द स्ट्रीम ऑफ लाइफ विच एडवांसिंग कम्प्लेक्सिटी एंड सेंटर्ड इन इमोशंस एंड एम्बिशंस एस्थेटिक अप्रीसी एंड द रिलीजियस इन द रिलीज इन विच देआर हाइएस्ट होब्स एंड डोबलेट एस लाई एन श्राइन ठीक है जीन्स के मुताबिक सूरज से ही जिंदगी निकली है ठीक है वही सूरज से ही इमोशंस मिलते हैं सूरज से ही एम्बिशन मिलते हैं ठीक है Why are our four impressions of an astronomer's pictures of the universe likely to make us feel that humanity is insignificant? कौन से four impressions? First impressions कौन से सॉरी जो एस्ट्रोनिक्स पिक्चर्स के हैं कि भाई लाइफ जो है वो ह्यूमनिटी है इंसानियत जो है इनसिग्निफिकेंट है इंसानियत को वो नहीं मानता है, उनकी कोई अहमियत नहीं है फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एन एस्ट्रोनिक्स पिक्चर्स ऑफ द यूनिवर्स लाइकली टू मेक अस फील दैट ह्यूमटी इज इन से बिकॉज इट हैज़ गिवन द इंफॉमेशन अबाउट द वास्ट मीनिंगलेस डिसेज कम्प्लीट लोनलीनेस ऑफ द अर्थ एंड द होस्टाइल नेचर ऑफ द यूनिवर्स इस दुनिया में हम एक नुकते की तरह हैं छोटे से नुकते की तरह हैं और बड़ी दुनिया वसी दुनिया है ठीक है इस वसी दुनिया में हमारा एक इंसानों का जो है एक छोटा हिस्सा जो इंसान मतलब तो ना होने के बराबर हिस्सा एक डॉट जो है वो कवर करते हैं बस तो सिग्निफिकेंट है बाकी दूसरी, दूसरी जिंदगी है या बाकी दूसरी दुनिया है दूसरी चीज़ें हैं इस दुनिया में हाउ डज जीन जस्टिफाई सेशन दैट द यूनिवर्स अपीयर्स टू बी एक्टिवली होटाइल टू लाइफ लाइक आवर ओन आवर द यूनिवर्स इज़ टेरीफाइंग और द यूनिवर्स इज़ टेरीफाइंग ये 2018 में आया है यूनिवर्स हमारे ख़िलाफ़ कैसे मुखालिफ कैसे है इंसानों के लिए जीन्स के क्या मुताबिक जेंट्स जो है वो जस्टिफाई करता है गिविंग एन एग्जांपल मनी एग्जांपल्स क्या यूनिवर्स जो है वो हमारी ज़िंदगी के या हमारे अपोज़िट है क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट उनके पास इमोशंस नहीं होते हैं एम्बिशंस नहीं होते हैं अचीवमेंट्स नहीं होते हैं वो इट बिकम्स हॉट एंड कूल एज यूजुअल वो कभी कभार गर्म हो जाती है कभी कभार ठंडी हो जाती है और इट इट रिमेंस आल्सो द डेंजर ऑफ बॉम्बार्डमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज द हाई वोल्टेज रेडिएशन आर आल्सो रेडी टू डिस्ट्रॉय द लाइफ बड़े बोमबार्डमेंट कभी कभार वो uh, एक दूसरे से टकरा के जाते हैं सारे जो हेमली बॉडीज़ हैं फिर हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है ठीक है ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है हम ज़िंदगी तबाह हो जाती है ये बड़े नुकसानदेह हैं ठीक है वायरस प्लानटरी सिस्टम सीम टू बी ओनली काइंड ऑफ एनवायरमेंट ऑन विच लाइफ को डे हमारा प्लानेट एक ही है जहाँ पर ज़िंदगी रह हो सकती है क्यों प्लानटरी सिस्टम सिम्स टू ब ओनली काइंड ऑफ इन्वायरमेंट ऑन विच लाइफ कुड ऑरिजिनेट बिकॉज ऑफ द सुइटबल फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसिस कैन एग्जिस्ट इन द लिक्वेड स्टेट ठीक है हमारे यहाँ पे सब्सटेंशल्स भी है और सुइटेबल फिजिकल कंडीशन भी है टेम्परेचर भी यहाँ पे बिल्कुल सुइटेबल uh, है हमारे लिए जिंदगी के लिए वट इज द टेम्परेचर ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्पेट स्पेस का टेम्परेचर क्या है अकॉर्डिंग टू जीन द टेम्परेचर ऑफ मोस्ट ऑफ स्पेस फोर डिग्री अबव एबसोल्यूट जीरो अबाउट फोर एटी फोर डिग्रीज ऑफ एन आवर फैर हाइट स्केल ठीक है इतना ही टेम्परेचर है वाई डज इट सीम इनक्रेडिबल टू जीन्स डेट द यूनिवर्स वॉज डिजाइन प्राइमरी टू द रिप्रोड्यूस लाइफ लाइक कवर ऑन ये वो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोग खुद देख लीजिएगा बाकी इसका लास्ट चैप्टर रहता है लाइफ इन द यूनिवर्स वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा अल्लाह फिर तब तक के लिए